चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन कैसे लाया जाता है ये समझा, और उसी को यूज करके हमने बहुत तरह के चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन बनाए। और एक बार हमने ये पोटेंशियल फंक्शन बना लिया तो हम एक प्रैक्टिकल पोटेंशियल फंक्शन पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ला पाए जनरल आर डिस्टेंस दूर, एक बार पॉइंट की वजह से पोटेंशियल फंक्शन ला पाए तो हम लोगों ने उसी थ्योरी का यूज करके एक शेल के लिए देन एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल के रिजल्ट्स लाए। एक पॉइंट चार्ज का रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से हमने शेल और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का डिस्कशन किया। अब और भी बहुत तरह के शेप के पोटेंशियल इसी डॉट चार्ज के डेरिवेशन से लाएंगे, ना कि बेसिक थ्योरी से। बेसिक थ्योरी से हर काम करना एक लेंथी प्रोसेस है। हमने पॉइंट चार्ज का भी पोटेंशियल लाया तो एक लेंथी प्रोसेस था। हम डॉट चार्ज के इस डेरिवेशन का यूज हर जगह करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम एक डॉट की वजह से निकाल पा रहे हैं तो ज्यादा डॉट की वजह से भी निकाल पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डॉट से मिला हुआ मान सकते हैं। ऐसी एक थ्योरी को हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम एक डॉट चार्ज के अगेंस्ट किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से R1 तक लाते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल K Q1 अपॉन R1 होगा। मान लिया Q1 के अगेंस्ट लाते हैं, इसी तरह से अगर Q2 के अगेंस्ट लाते हैं तो वो K Q2 अपॉन R2 होगा। अलग अलग अगर इन चार्ज के अगेंस्ट हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो V1 V2 क्या है ये हम जानते हैं। और अगर ऐसे बहुत सारे चार्ज सारे डॉट चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 V2 V3 पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे और उन सबके पोटेंशियल का सम इस P पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल होगा क्योंकि सबकी फील्ड के अगेंस्ट हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम अलग अलग लाए हुए पोटेंशियल को सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। ये हमारी अप्रोच रहेगी। इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिस्क्रीट चार्ज के लिए हम ऐसे करेंगे और अगर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो हम एक जनरल DQ की वजह से P पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल DV सोचेंगे, K DQ अपॉन R देखा। तो ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूशन इस बॉडी के हर DQ की वजह से होगा, तो हर DQ की वजह से पोटेंशियल लाने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करके हम ओवरऑल पोटेंशियल ला सकते हैं। तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए या कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए सीधे सीधे हम स्केलर सम कर रहे हैं अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन का। तो ये यूज करके हम लोग कुछ सिस्टम की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पहले डिस्क्रीट से स्टार्ट करते हैं।